हाय फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। मैंने भी कुछ नई रेसिपीज ट्राई करी हैं, जैसे कि समा के चावल की इडली जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। समा का जो राइस होता है ये एक मिलेट होता है, इसलिए उसको आप नवरात्रि में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिए हैं कुछ अराउंड 1 कप समा के राइस और थोड़ा सेंधा नमक, और मैं इसमें चिरौंजी की सीड्स के साथ बनाऊंगी। चिरौंजी सीड्स इसको क्रंच भी देती हैं और ये हेल्थ और के लिए बड़ी अच्छी है, और स्टमक भी सही रहता है नवरात्रि में इसको खाने से। और मैंने ली है थोड़ी बारीक कटी हुई गाजर और इनो फ्रूट सॉल्ट। तो सबसे पहले हम समा के राइस और चिरौंजी को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोएंगे। उसके लिए आप एक बार ही इन्हें मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर इसमें खूब खुला पानी डाल के इन्हें 30 मिनट के लिए खाली भिगो के रख दीजिए। तो हमारे ये चावल और चिरौंजी भीग चुके हैं, तो इन्हें मिक्सी में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो लीजिए हमारा पेस्ट तैयार है। देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बना है, एकदम से क्रीमी पेस्ट। अब हम इसमें थोड़ी वेजिटेबल्स डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स डालने से थोड़ी फूड वैल्यू अच्छी हो जाएगी और हेल्दी हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ी कटी हुई गाजर डाली है और मैंने थोड़ा सा धनिया लेके उसको हल्का सा पीस लिया मिक्सी में, बहुत हल्का सा बारीक बारीक। तो ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया। अब इसे चिरौंजी सीड्स थोड़े साबुत भी डाल दीजिए ताकि इसका जो क्रंच अब आपको इडली में आए। हल्का सा नमक डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस बैटर को आप करीबन 15 मिनट छोड़ दीजिए ताकि समा के राइस जो है वो अच्छे से पानी चूस लें। उसके बाद आप इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालिए। आप देखेंगे ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है बिकॉज ये चावल ने अच्छे से पानी चूस लिया है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी इडली सॉफ्ट बनेगी। तो अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के करीब 6-7 चम्मच पहले इसकी कंसिस्टेंसी सी वैसे कर लीजिए। अब हमने इडली मोल्ड लेना है। मैं इसको माइक्रो में बना रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल स्टीमर वाले मोल्ड में भी बना सकते हैं। तो हम इडली मोल्ड में इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे मोल्ड में और इस बैटर को हम उसके ऊपर डाल देंगे। माइक्रो में जब आपने इडली बनानी है तो थोड़ा पानी अच्छे से डाल लीजिए नीचे, ताकि ये ना हो कि आपका पानी सूख जाए, तो इडली बिल्कुल कड़ी हो जाएगी। इसे मैं 8 मिनट के लिए माइक्रो करूंगी। तो 8 मिनट हो गए हैं, तो देखिए हमारी इडली कैसे बनी है। तो लीजिए आपकी स्पॉन्जी यम्मी हेल्दी और बहुत ही टेस्टी आपकी समा के राइस की इडली तैयार है। इसे खाइए और अपने मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी रेसिपीज़ लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।